अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज के जो क्लिप्स हैं या जो आज का जो व्लॉग है वो होता है स्टार्ट मेरे घर की पैकिंग से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर मिल गया था और घर की सेटिंग भी हो गई थी, उस स्टैंडर्ड पर आ गया था जैसा हमें चाहिए था। तो अभी ये जो क्लिप्स हैं कुछ ये हैं घर की सेटिंग के, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ये जो आपको सामने बॉक्स नज़र आया, इसमें मैंने अपना कुछ मेकअप रख लिया था, कुछ डेली यूज़ की चीज़ें थी, कुछ मेरी ज्वेलरी थी, जिसका मुझे ये था कि अगर ये सूट केस में ये ऐसे जाएगी तो टूट फूट जाएगी। सो मेरी वॉचेस हैं इसमें। तो व्हाट आई डिड के मैंने ये सब कुछ जो सा एक बॉक्स में रख लिया था और इसे मैंने अच्छे से टेप से पैक कर लिया था। तो आप खुद इसे देख सकते होंगे कि इसमें वो ब्राइडल ज्वेलरी भी है जो मैं अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर की थी, और यहाँ पर मेरे कुछ ईयरिंग्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर तो किए थे बट यूज़ नहीं किया, और मेरी कुछ मेकअप पैलेट्स हैं, कुछ तो खैर मैंने अपनी सिस्टर के साथ पैक करवा ली थी क्योंकि मैं अपने रूम में बहुत कम मेकअप रखती हूँ बच्चों की वजह से। मेरा बड़ा बेटा जो उनसे माशाल्लाह से बड़ा होता जा रहा है, तो मैं जहाँ पे भी रख लूँ मेकअप या ऐसा कुछ तो उसके हाथ ना पहुँच जाते हैं। और इस बॉक्स में रैंडम चीज़ें लाइक मेरे फेस मास्क भी हैं, और ये कुछ मार्कर्स हैं, मेरा पावर बैंक है, एंड यू नो किड्स के टॉयज़ भी मैंने इसी में रख लिए थे क्योंकि जब आप बच्चों के साथ शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना तो रियली इट्स टू टफ़ और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो हमने शिफ्टिंग का प्रोसेस था, लाइक मैंने रूम की जो शिफ्टिंग की थी ना वो जस्ट 2 to 3 days थे मेरे पास, और ऑफिस भी होता है, बच्चे भी होते हैं, और फिर यू नो बच्चों के नीड की चीज़ें जो उनसे होती हैं वो आपको रखनी ही होती हैं। तो बच्चों का दूध हो गया, स्टेरिलैक हो गया और ऐसी चीज़ें, तो थोड़ी सी मुश्किल तो खैर हुई थी बट इट वाज ऑल फाइन। हमें स्टिल जो सा है लाइक 3 weeks लग गए थे घर की सेटिंग करने में और घर की चीज़ें सेट करने में और अपनी रूटीन पे आने में, क्योंकि नई जहाँ पे जगह होती है तो आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती है, सेटिंग होने में टाइम लगता है। और ये कुछ मैंने मेकअप ऑर्गेनाइजर्स लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे, 5 Rel की शॉप से लिए हैं ये, एक्रेलिक के नहीं, आई थिंक ये प्लास्टिक के हैं, और मुझे एक्रेलिक के एक्चुअली मिले नहीं थे उस टाइम पे ना, शॉप पे अवेलेबल नहीं थे। मैंने ये ले तो लिए बट बाद में मैंने देखा कि इसमें ना लाइक ये उतने अच्छे नहीं हैं, इसमें मैं अच्छे से चीज़ें प्लेस नहीं कर सकती, बट फिर भी मैं ले कर रख लिया। विल सी कि अगर मुझे जैसे चाहिए रिक्वायर्ड वो वाले मिल गए, क्योंकि यहाँ पर आस पास तो इतनी शॉप्स नहीं, और दूसरा ये जो मेकअप है मैं सामने नहीं रख सकती हूँ टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल पर, बच्चे छोटे होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा बहुत सा मेकअप इसी चक्कर में ख़राब हो चुका है, सो आई वाज जस्ट बिट वरीड, तो मैंने नहीं रखा। अभी मैं एक सोच रही थी कि अपनी दीवार पे कुछ शेल्स बनवा लूँ तो वहाँ पे अपना मेकअप रखूँ, क्योंकि कैबिनेट्स के अंदर तो रखने से ये होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि आपने कुछ यूज़ भी करना है। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे ऑफिस का, जहाँ पर हमारे जो एक बॉस है जो रिटायर हुए थे उनकी 60th birthday थी, तो उनका केक आया था ऑफिस में, तो मैंने उसका भी एक क्लिप लगा दिया। और ये था उनका केक जो उन्होंने काटा था, बेसिकली ये बहुत अच्छा लगा था मुझे केक, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर कर दूँ। देखिए आप कितना क्यूट सा केक है। सो वो 60 की एज में रिटायर हुए, तो उन्होंने घर से हमारे लिए केक भेजा था हम लोगों का शेयर। और ये है रयान, माशाल्लाह से माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़। और ये है मैंने घर का एक क्लिप, एट लास्ट हम लोगों की शिफ्टिंग हो गई। और सबसे मुझे जो सबसे कन्वीनियंट लगता है जब मेरा बेड सेट हो जाता है ना, लाइक बेड शीट और ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई फील के बस अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब बेड सेट हो गया था लास्ट में जो चीज़ आई थी ना मेरे घर से वो बेड ही थी। तो बेड तो खैर आपको हर हाल में सेट करना होता है क्योंकि आपने रेस्ट करना होता है। ये जो बेड शीट आप देख रहे हैं आपने बहुत बार देखी होगी, बेड शीट भी और ये जो इसका कम्फर्टर है वो भी, यहाँ पर बैठा है रयान, देख लें इसे, यहाँ पर मेरे मेकअप स्टोर करना और यहीं पर शयान, सॉरी यहीं पर वो बैठा हुआ है, उसको ये अलमारियाँ इतनी पसंद आ गई हैं। अभी तक मैंने इनको खाली रखा हुआ है क्योंकि बच्चा है वो इतना समझता तो है नहीं, 2.5 साल का हुआ है अभी, ट्राई मैं करती हूँ उसको समझाने की 1-2 दिन, मतलब फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना नॉटी नहीं है, लाइक इतनी चीज़ों को अटैच नहीं करता है। उसे ब्रशेज ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पेन ब्रशेज देते तो उसको मेकअप ब्रशेज और पेन ब्रशेज में ना डिफरेंस पता नहीं चलता। और ये है रयान, माशाल्लाह रयान ने ऊपर वाले 4 दांत निकाल लिए हैं, 4, और 2 जन से नीचे निकाले हैं, देखें वीक भी बहुत हो गया और उसको फ्लू भी है, और माशाल्लाह से रयान क्रॉलिंग भी करता है अच्छे से, और अब वो पकड़ पकड़ के सहारे से ना चलता भी है। प्लीज़ आप माशाल्लाह बोल दीजिएगा, मुझे पता है कि मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चों को नज़र लग जाती है, नज़र तो खैर माँ की भी लग जाती है और प्यार से ही लगती है। और इस चीज़ के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम ख़वातीन को या उन तमाम शादीशुदा जोड़ों को जिनके घर औलाद नहीं है, नेक और सालेह औलाद से नवाजें और उनकी तमाम दुआएं पूरी करें, आमीन।
तो एक और बात बता दूँ, इस कारपेट के नीचे हमने बिछाया था वो एक क्या बोलते हैं उसको, फोम टाइप होता है कुछ ठीक सा, क्योंकि बच्चे जब गिर जाते हैं ना तो उन्हें चोट लगती है, और स्पेशली कारपेट के तो खुद के निशान भी बन जाते हैं। तो वो डलवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि रियान अभी छोटा है, तो जो हमारा पुराना घर था ना उसमें 2-3 दफ़े गिरा। मैं मोस्टली इसको इसकी जो क्रिब है उसमें ही रखती हूँ, जो इसकी क्रिब है ना या जिसको कॉट बोलते हैं उसमें रखती हूँ, तो उससे ये सेफ्टी हो जाती है कि उसको मैं डीप किया हुआ तो ये बच जाता है गिरने से। और मैं मोस्टली इसे वॉकर में रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसकी टीथिंग हो गई है स्टार्ट, इसके दांत निकल रहे हैं, तो मुझे डर होता है कि ये ना खुद को ज़ख्मी ना कर ले। और ये जो मेरे बेटे ने ड्रेस पहनी हुई है ये मेरे बड़े बेटे की है, लाइक उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती थी, तो कोई भी ड्रेस मैं लेके आती थी, एवरी मंथ में उसकी शॉपिंग करती थी, तो कोई भी ड्रेस मैं उसकी लेके आती थी ना तो वो छोटी हो जाती थी। तो ये कॉर्नर मैंने बनाया था बच्चों के लिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया है इनके अल्फ़ाबेट्स, लाइक मेरी सिस्टर ने ही शौक से लाए थे उसने लगा दिए थे। और यहाँ पे है शयान, मैं इनको ना मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को ना मोबाइल दूँ ज़्यादा, स्टार्टिंग में मैंने इसको टैबलेट लेके दिया था, फिर मैंने नोटिस किया कि वो ना कुछ ज़्यादा ही उसमें मैं हो जाता है, और इतनी छोटी एज में बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। और वो आप देख सकते हैं कि कर्टन्स अभी नहीं लगे हैं, तो जस्ट लाइट नहीं आई, सनलाइट से बचने के लिए मैंने वो कर्टन ना ऐसे ही हैंग कर दिया था। और ये है मेरी 2 अदद कैबिनेट्स, एक तो बेड के साथ थी, और मेरा फर्नीचर जो सा है ना बिल्कुल भी न्यू नहीं है, क्योंकि जो न्यू था वो मैं पाकिस्तान भेज चुकी हूँ, तो फिर जस्ट गुजारे के लिए हमने लिया था। मैंने आपको बोला था ना कि मैं एग्जिट चली गई थी, जाने का लाइक प्लान था, और मैंने सब कुछ कार्गो कर दिया, और फिर जब मुझे थोड़ा मुश्किल लगा तो मैं वापस आ गई थी। तो ये 2 कैबिनेट्स हैं मैंने अपने अपने हबी और बच्चों के लिए डिवाइड कर लिए हैं, क्योंकि एक कैबिनेट में बहुत मुश्किल है गुजारा, छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, उनकी अंडर शर्ट्स होती हैं, जीन्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल है। और ये जो फुल कैबिनेट है ये मेरी है, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रेशमी कपड़े तो मेरे पास 2 जोड़े ही हैं बस, और मैंने सूटकेस में रखे हैं। अब आए और ऑफिस की जो ड्रेसेस वो हैंग कर लिए, एक सेक्शन में मैंने जो अपने ब्रांडेड लॉन के ड्रेसेस हैं लाइक एम्ब्रॉयडर्ड हैवी हैं वो कर लिए, और एक मेरे घर पहनने वाले ऐसे सिंपल्स हैं वो रख लिए हैं। और काफ़ी सारे तो सूटकेसेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, एक तो ऑफिस होता है और ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं है, तो फिर ईद वगैरह पे यूज़ होंगे, और कुछ पाकिस्तान से आने भी हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियोस में ना आपसे शेयर करूँगी अपने ईद कलेक्शन, सॉरी लॉन ड्रेसेज जो उनसे वो, और इंशाल्लाह उसके बाद विद इन 1 वीक और 2 मैं आपसे शेयर करूँगी अपने ईद ड्रेसेज या ईद की जो शॉपिंग है वो। देखिए ये जो सेक्शन मैंने बच्चों का बना लिया, इसमें इनके प्रोडक्ट्स रखती हैं, मिल्क की जो कंटेनर्स हैं वो रख लें, सीरीलैक है, जूस रखे हैं, जूस में शयान को ही देती हूँ, रयान को भी स्टार्ट नहीं करवाया। और ये सेक्शन में मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर का रखा है, अपनी एक साइड पे परफ्यूम्स रख ली हैं, मुझे जो कुछ भी रखना है वो हाइट पे रखना है, एक तो जो ग्लास बॉटल्स है ना वो एक हैवी होती हैं, अगर खुदा ना खास्ता बच्चों पे लग जाए तो, बच्चों से गिर जाए तो उन्हें लग जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डर्मा क्लियर का फेशियल रख लिया, और मैं दूसरा फेशियल भी शायद इसके साथ रख दूंगी, क्योंकि उसके जो पाउचेज हैं वो बॉक्स में पड़े पड़े आई गेस लीक होते जा रहे हैं, तो यू नो इट्स जस्ट वेस्टेज। और वो है मूवी जो कपड़े प्रेस करने के रखते हैं वो इसलिए क्योंकि वो स्प्रे टाइप है, तो शयान का ख़तरा रहता है कि उसे प्रेस करके कुछ करने, ये सेक्शन स्टिल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। और नीचे मैंने अपने अपने और बच्चों के बैग्स रखे हुए हैं, बच्चों के बैग्स लाइक जो बेबी बैग्स होते हैं ना वो रखे हुए हैं। बैग तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो बस एक यूज़ करती हूँ, बट यू नो कभी कभी हम मदर्स को ना लालच होता है तो ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे बैग हैं और ज़्यादा बैग्स नहीं है मेरे पास, 4-5 है, जिनमें से एक ही जो कॉच का बैग है ये मैंने लिया था लाइक 2 ईयर्स अगो, और मैंने इसे यूज़ नहीं किया, और ये पड़ा पड़ा इसका पूरा कलर उतर गया है, बहुत दुख हुआ मुझे। बाकी तो ओवरऑल ये ठीक है, मगर इस पे जो शॉकिंग पिंक स्टफ़ है ना वो ख़राब हो चुका है। वो जो मेरा बैग है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है आपसे, और वो भी मेरा MK का न्यू बैग है जो कि मैंने ईद के लिए परचेज़ किया, और इसके अलावा एक कुछ वाइट और ब्लू बैग है जो मेरी सिस्टर ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तो इस सेक्शन में जो है वो मैंने रखे हैं अपने वो वाले ड्रेसेस, लोन के जो थोड़े से ब्रांडेड कह लें, हैवी कह लें, या कह लें कि जो मेरे फेवरेट हैं, तो इनकी जिनसे ना मैंने इनके लिए इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वही होगी मैं आपसे शेयर करूँगी, या नेक्स्ट से नेक्स्ट होगी, क्योंकि वॉइस ओवर का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और बहुत ही हेक्टिक रूटीन हो गई थी हमारी। तो ये जो एक ड्रेस का आप देख ले व्यू, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, यासिम जोफा का आर्टिकल है जो मैंने लास्ट ईयर लिया था, एंड ट्रस्ट मी कि 1 साल में मैंने इसे जस्ट एक बार यूज़ किया, क्योंकि कहीं आना जाना नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने एक बार यूज़ किया था जब मैं अपने ननिहाल गई थी ना मामू लोगों के घर तब, और उसके बाद से मैंने इसे अच्छे से वॉश करके प्रेस करके रख दिया था। मैं ना
अपने ड्रेसेस को लेके ना बहुत कॉन्शियस कह सकते हैं वो. मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेने का बहुत शौक है, पहनने का भी बहुत शौक है, बट समटाइम्स आप इन्हें रफली यूज़ करते तो ख़राब हो जाते हैं, मैं वो नहीं करती. और ये है मेरा ब्यूटी कॉर्नर आप कह सकते हैं, और इसमें बच्चों का दूध भी नज़र आएगा, यू नो मदर्स लाइफ. अभी तक इसमें कुछ भी अरेंज नहीं हुआ है क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये सब कुछ अरेंज करना. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अरेंज करूँ. मसला बस बच्चों का है ना, क्योंकि मैं 10% मेकअप भी नहीं रख पा रही हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शेल्फ लगा लूँगी, तो ऐसे चल मेकअप भी सेफ रहेगा और सामने भी रहेगा, क्योंकि अगर मेकअप छुपा हुआ होगा ना तो ऑफ कोर्स मैं यूज़ करना भूल जाऊँगी. आज के जो व्लॉग है वो इतने, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड फॉर ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल.